बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको फुकेट की सैर करा रहे हैं। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा जज़ीरा है। यहाँ आने का आसान रास्ता बाय एयर है। बैंकॉक से बस से भी आ सकते हैं। बस का सफ़र तकरीबन 11 घंटे का है। फुकेट को मुकामी लोग फुकेट कहते हैं। फुकेट सरासन ब्रिज के ज़रिए मेनलैंड से जुड़ा हुआ है। इस जज़ीरे में बरसाती जंगलात और पहाड़ भी हैं। ये अंडेमन समंदर में वाक़े है। इसका मीन टेम्परेचर 28 डिग्री यानी कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इक्वेटर के करीब होने की वजह से इसका मौसम सारा साल एक जैसा रहता है। पाटोंग बीच, ये फुकेट का पाटोंग बीच है। यहाँ पैरासेलिंग हो रही है। पैरासेलिंग में पैराशूट को बोट के पीछे बांध के उड़ाया जाता है। कोरल जजीरा को मुकामी लोग को ही भी कहते हैं। ये खूबसूरत जजीरा फुकेट के जनूब मशरिक में 3 किलोमीटर के फासले पे है। इसमें 2 मेन बीचेस हैं। ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर नस्ब है और इसको अप्रोच करने के लिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पे दूसरे मुजस्मे भी, मूर्तियां भी उनको कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लोग यहाँ पे मनते मानते हुए पत्तों के ऊपर अपना नाम
और दूसरी तफसीलात लिख के मनते मांगते। ये ब्रॉन्ज या कॉपर के पत्ते बनाए गए हैं। इस मुकाम के गिर्दा गिर्द बहुत सारे दूसरे टेंपल्स और इबादतगाहें मौजूद हैं जो काफ़ी कदीम ज़माने से तलक रखती हैं। अभी भी इन लोगों ने इसको काफ़ी बेहतर हालत में रेनोवेट करके रखा हुआ है। जजीरा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी एक हाई स्पीड बोट में बैठ के रवाना हो चुके हैं। फीफी जजीरा या फीफी आइलैंड फुकेट से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ की पिक्चर्स आपको विंडोज़ की डेस्कटॉप इमेजेस में भी मिलती हैं। ये यहाँ का एक मशहूर त्यौहार है, इसका नाम है सोंग करान। इस त्यौहार पे नेशनल हॉलीडे यानी कि पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। ये हर साल 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मनाया जाता है। थाई लोगों का ख्याल है कि इससे इनके गुनाह और बदकिस्मती दूर हो जाती है या धुल जाती है। इस त्यौहार पे सब लोग एक दूसरे पे खूब पानी बरसाते नजर आते हैं। ये यहाँ के कुछ खाने हैं। इनमें से मेरे ख्याल में आम, मैंगो शेक और कोकोनट यही सबसे ज़्यादा तसल्ली और इत्मीनान से खाए जा सकते हैं। और भी जो खाने आप रिकमेंड करना चाहें थाईलैंड के, वो बराए मेहरबानी ज़रूर कमेंट्स के थ्रू उनके बारे में बताइए।
मुझे उम्मीद है आप लोग इस सैर से ज़रूर लुत्फ़ानंदोज हुए होंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका शुक्रिया।